फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कंसेप्ट ऑफ फोटोग्राफी, और इसके साथ साथ हमने देखा कि कैमरा जो है, कैमरे का यूज़ कितना इंपॉर्टेंट है, कैमरे को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एज फोटोग्राफर। DSLR को हमने डिस्कस किया था। आज जो है, अगेन हमारा लेक्चर जो है वो कैमरे के ऊपर है, क्योंकि जो कैमरा एंगल्स और प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मूवमेंट्स हमें डिस्कस करनी होंगी, वो हमारे लिए जो है उसको देखना और अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। हेलो जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो कैमरा है उस होती है उसको कैमरे की आंख से कैप्चर करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो हमने लास्ट क्लास में DSLR मॉडल को डिस्कस किया था, कुछ चीज़ें हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रेटिकली डिस्कस की थी। आज जो है हम उन चीज़ों को ज़रा कुछ प्रैक्टिकली कुछ डेमो में आपको प्रोसेसिंग फोटोग्राफ्स, जिसमें आप इमेजेस को कैप्चर करते हैं, और किससे कैप्चर करते हैं, कैमरे की आंख से। कैमरा क्या है? कैमरा इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू विच यू कैन कन्वर्ट लाइट इंटू इमेज और विजुअल्स। तो वो तमाम में या फिर विजुअल्स की फॉर्म में। फिर हमने जब कैमरे को डिस्कस किया तो इस टाइम स्क्रीन पे आपको, इसके साथ ही आपको लेंस भी नज़र आ रहा होगा। ये लेंस जो है आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसी पे आप देखेंगे तो आपके पास इस लेंस के साथ, आपके पास जो भी कैनन या निकॉन है, इसके साथ आपके पास यहाँ पे रिलीज बटन भी कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले अगर इसको डिस्कस करें, लास्ट क्लास में हमने देखा फोकल लेंथ को, हमने डिस्कस किया था कि फोकल लेंथ क्या है। ठीक है, फोकल लेंथ जो है, आपके पास कुछ लेंसेज जब आप देखते हैं, और चाहे वो सोनी का है, निकॉन का है या कैनन का है, तो आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको लिखी हुई नज़र आती हैं। फोकल लेंथ को हम जब MM का लेंस है, इसको हम जूम लेंस भी कहते हैं, इसको हम किट लेंस भी कहते हैं। अगर आप कोई भी कैमरा देखेंगे, निकॉन या कैनन का या सोनी का, और कोई भी अगर आप अपने करियर के स्टार्ट में कोई कैमरा परचेज करते हैं, तो नॉर्मली ये आपके पास कंपनीज ऑफर कर रही होती हैं। अब 18-55 का मतलब ये है कि फोकल लेंथ जो है इसकी, आप 18 से 55 mm के दरमियान जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, आप रिज़ल्ट जो है वो ले सकते हैं। जिस तरह से ये वैल्यूज़ कम हो रही हैं, 18 mm, तो आपके पास जो है ये आपको ज़्यादा जो है वो वाइड फ्रेम देगा। जिस तरह से वैल्यूज़ ऊपर की तरफ जा रही हैं, फॉर एग्जांपल हमने बात की 55 mm की, तो 55 mm का मतलब ये है कि आपको मिलेगा, जो शॉट आपको मिलेगा वो क्लोज शॉट मिलेगा। तो ये वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, इसको भी हम देखते हैं। अब मेरे पास अगर ये 18 से 55 है, जिसको हम जूम लेंस कहते हैं, तो इस लेंस को आप देख सकते हैं, ये इसको आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेंस मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह से कुछ आपके पास जो है लेंसेज आपको ऐसे मिलेंगे जो कि या 55 mm है, ये फिक्स्ड फोकल लेंथ अगर एक ही वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि फिर आप जो है वो सिर्फ एक ही शॉट या एक ही फ्रेम उसमें 50 शॉट अपना चेंज करना है, तो आपको उतना ही डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना होगा अपने सब्जेक्ट से। अगर आपका सब्जेक्ट है और आप चाहते हैं कि वाइड फ्रेम लेना, तो आपको अपने कैमरे की प्लेसमेंट या तो चेंज करनी पड़ेगी, या फिर आपको अपने सब्जेक्ट को कैमरे करें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि बिगिनर्स की अगर हम देखें, या जब आप जो है स्टार्ट में होते हैं, तो आपके लिए कन्फ्यूजन ये होती है कि मुझे जो है वो लेंस कौन सा परचेज करना है, जूम लेंस लेना है, या फिर जहाँ पे फिक्स्ड फोकल लेंथ वाले लेंसेज को हम प्राइम लेंस भी कहते हैं। 18-55 ये जूम लेंस है, जहाँ पे आपकी फोकल लेंथ जो है आपको दो वैल्यूज़ के बिटवीन मिलेगी। 18-55 है, तो इट्स मीन कि आप 18 पे वाइड फ्रेम और 55 पे आप आके 55 तक जो आपको नॉर्मल फ्रेम मिल रहा होता है वो आप कैप्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है फिक्स्ड फोकल लेंथ वाले या प्राइम लेंसेज की, तो इसमें से कौन सा लेंस बेहतर है? अगर तो आपके पास और आप इंटरेस्टेड हैं, आप स्ट्रीट फोटोग्राफ के पास जूम लेंस होना चाहिए, ताकि आप इजीली जो है वो 18 से 55 के दरमियान भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शॉट आपको देगा, आपके तो उसके ऊपर आपके पास जो है वो
मल्टीपल आपके पास लेंसेज की कलेक्शन होना ज़रूरी है। फिर आपके पास प्राइम लेंसेज में आपके पास ज़्यादा लेंसेज की कलेक्शन होगी तो ही आप जो है वो अपना मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टैंड किया हमने कि फोकल लेंथ है क्या, कुछ लेंसेज आपको फिक्स्ड फोकल लेंथ के मिलते हैं, कुछ लेंसेज आपको जो हैं वो मिलते हैं जहाँ पे लेंस आपकी फोकल लेंथ जो है वो चेंज हो रही होती है, लाइक 18-55 है या और इस तरह के आपको लेंसेज मिल रहे होते हैं। अब भाव है कुछ के साथ आपको एफ एक्स लिखा होगा मिलेगा या कुछ के साथ डी एक्स। डी एक्स और एफ एक्स का हमने डिफरेंस डिस्कस किया था। ये जो है आपके पास एफ एक्स जो है वो फुल फ्रेम है, दूसरा आपके पास जो है वो क्रॉप सेंसर आपको लेंसेज मिल रहे होते हैं। स्टार्ट कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस में लेके, जैसे जैसे आप चीज़ें प्रैक्टिस करते रहें, जैसे जैसे आपका स्किल सेट इम्प्रूव होगा, आप चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। आप ऐसा ऐसा अपना जो है वो इक्विपमेंट बेहतर कर सकते हैं। तो ये नहीं मैं कहूँगा कि स्टार्ट में ही आपके पास इक्विपमेंट बहुत, तो डिपेंड ये करता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, विद इन रिसोर्सेज आप मैक्सिमम जो है वो रिजल्ट किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं या उसको, उन रिसोर्सेज को किस तरह से अच्छे तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो लेंस है इसमें कुछ लेंसेज आप देखेंगे जो कि आपको मिलेंगे। फोकस लेंसेज में क्या डिफरेंस है या इसमें से कौन सा लेंस बेहतर है? मैनुअल फोकस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए एज फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अदर तो फिर आपको अपना फोकस साथ साथ शिफ्ट करना होगा अपने लेंस से। अदरवाइज जो है, और आपको अपने सब्जेक्ट की और अपने ब्लर शॉट्स आप ले लेते हैं और बाद में फिर आपके लिए उतना ही, जब आप उस रिज़ल्ट को किसी फुटेज को कॉपी करेंगे सिस्टम में लेके आएंगे तो वो आपके लिए उस वक्त आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं ये क्या हुआ, ये तो सारा फ्रेम सारा शॉट ही मैंने ब्लर बना दिया। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वेडिंग कवर कर रहे हैं या एज वेडिंग फोटोग्राफर आप काम करना चाहते हैं तो फिर आपके पास अगर आउट ऑफ फोकस लेंस होगा तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं। अब हम कुछ चीज़ें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ये कैमरा बॉडी के हवाले से। लेंस मैंने आपके सामने या फिर नॉर्मली रेड कलर का पॉइंटर यहाँ पे होता है और इसी तरह से ये कैमरा बॉडी पे भी आपको मिलेगा, उसी पॉइंट पे रख के आप इसको जो है वो अपने लेंस को फिक्स कर सकते हैं। अब ये आपके पास लेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेंस को मैंने फिक्स कर दिया। ये कैमरा एक जो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें वर्बली डिस्कस की थी, आज उसको देखते हैं कि हम इस बॉडी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास व्यू फाइंडर है जिसमें आप इमेज देखते हैं। हमने डिस्कस किया था कि ये जो DSLR है ये काम किस तरह से कर रहा होता है, किस फंक्शन पे काम करता है। हमने DSLR और SLR का डिफरेंस भी डिस्कस किया, क्या डिफरेंस है दोनों में। DSLR आपको याद होगा कि पुराने टाइम में आपके पास एनालॉग कैमराज थे और रील वाले हम कैमराज यूज़ किया करते थे जिसमें इमेज जो है वो रील पे कैप्चर कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप उसको डेवलप करते थे, प्रिंट करते थे, उसके बाद आपको आइडिया होता था कि वो ये फोटोग्राफ तो ठीक नहीं है, क्योंकि व्यू फाइंडर में देखने के बावजूद भी। अब डिजिटल कैमरे ने क्या किया है कि आपके पास एक तो यहाँ पे ये कैमरे पे LCD मॉनिटर आपको नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं डिजिटली आपका डाटा रिकॉर्ड किया जा रहा है आपके मेमोरी कार्ड में, ठीक है, ऐसे कैप्चर भी किया जा सकता है। एक तो एडवांटेज आपके पास ये आ गया DSLR और SLR का। ऐसा नहीं है कि SLR कैमरास और DSLR कैमरास काम दोनों सेम फंक्शन पे करें, काम दोनों क्या करें, दोनों ही लाइट को कन्वर्ट करें। तो जो बेसिक कैमरे का जो फंक्शन है वो क्या है, हमने जिस तरह से डिस्कस किया कि कैमरा इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट इंटू इमेज और विजुअल्स। जो आप इमेज देखते हैं, जो विजुअल्स देखते हैं, जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं वो क्या है, कैमरा लाइट को कन्वर्ट कर रहा है। अब ये DSLR का एक मॉडल आपको नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप देखें तो ये जो लेंस है लाइट लेंस से एंटर होगी और यहाँ पे आगे आपके पास जो है वो एक रिफ्लेक्सिव मिरर होता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके फोकस स्क्रीन से टकरा के आगे पेंटा प्रिज्म जो है वो, एक पेंटागोन टाइप हमने शेप डिस्कस की थी, आगे उसको दोबारा से डिस्कस करते हैं, उससे टकरा के आपके व्यू फाइंडर में आपको इमेज बनता हुआ नज़र आता है। और फिर हमने एक्सपोजर ट्राइंगल को डिस्कस किया कि एक्सपोजर ट्राइंगल क्या है। ट्राइंगल एक्सपोजर जो है वो तीन चीज़ों पर आपका बेस कर रहा होता है, आपका जो एक्सपोजर बनाता है और बेस्ट एक्सपोजर आप किस तरह से इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से क्रिएट कर सकते हैं, वो तीन चीज़ें क्या हैं जो हमने डिस्कस की थी, अपर्चर, शटर, अपर्चर एंड ISO। शटर, अपर्चर एंड ISO। शटर क्या है, जिस तरह से हमने देखा कि आप डिसाइड करता है कि कितनी स्पीड से लाइट कैमरे में एंटर होगी। अपर्चर क्या काम करता है, क्या कंट्रोल करता है, स्पीड ऑफ लाइट को, कितनी स्पीड से लाइट जो है वो कैमरे के अंदर एंटर होनी है ये डिसाइड करता है। इसके साथ जो अपर्चर है, अपर्चर क्या काम कर रहा होता है, अपर्चर कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को कि कितनी मिकदार में लाइट एंटर होगी। शटर और अपर्चर हमने डिस्कस किया, कंट्रोल कर। ISO की फिर हमने बात की, ISO इज़ बेसिकली सेंसिटिविटी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसकी एब्रीविएशन है ISO की। इसको जो है ये इसका भी डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो लाइट से है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि
जब हम रात में इमेजेस कैप्चर वगैरह कर रहे होते हैं, लाइट कम होने की वजह से आपको इमेजेस में क्रेन्स नज़र आते हैं, तो ये कैमरे की सेंसिटिविटी है, ISO, शटर, अपर्चर, इन तीनों चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं इसमें आपके पास आ गया। हम इसके कंट्रोल जो है वो आप वीडियो भी कैप्चर करना चाहें तो उसमें आपके पास वीडियो के ऑप्शन भी है। यहाँ पे फ्रंट स्क्रीन पे जहाँ पे LED आपको नज़र आ रही है, इसी के साथ आपको यहाँ पे ये रेड कलर का पॉइंटर ये नज़र आ रहा होगा इस पर। यहाँ से आप लाइव व्यू भी ले सकते हैं कि इन केस आप जो है व्यू फाइंडर में देख रहे हैं नहीं आपको समझ आ रही, तो आप स्क्रीन पे व्यू लेना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली ले सकते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे कैमरे को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पर देखिए यहाँ पे आपके पास ये डायल बटन की ऑप्शन आ रही होती है, जहाँ से आप इसको कोई DSLR है, कैनन का है, निकॉन का है आपके पास, या फिर आपके पास सोनी का है, उस पर भी ये ऑप्शंस होंगी। अब इसमें कुछ ऑप्शंस हमने मोड डिस्कस किए थे, इसमें एक तो आपके पास है ऑटो मोड जो ग्रीन कलर में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये जो ग्रीन कलर का ऑटो मोड है, ये ऑप्शन आपको दे रहा होता है बिगनर्स के लिए कि सिंपल, जिसमें कैमरा, आपकी शटर, आपका एक्सपोजर जो है वो सारा कैमरा खुद डिसाइड करके आपको दे रहा होता है, आपने कुछ नहीं करना होता, जस्ट व्यू फाइंडर में देखा और आपने क्लिक किया, तो आपको जो बेस्ट एक्सपोजर है शटर अपर्चर कंट्रोल करने की। लेकिन अब कुछ कंपनीज़ के जो सेलफोन में कैमराज ऑफर करें उसमें कुछ माइनर सी कंट्रोल्स उन्होंने दे भी दिए, लेकिन जो सेलफोन का कैमरा है, आप में से वो यूज़र्स जो सेलफोन यूज़र्स हैं और इंटरेस्टेड हैं फोटोग्राफी में या वीडियोग्राफी में, तो उनके लिए जो है वो सेलफोन पे तो आपके पास जो है वो ऑटो एक्सपोजर मिल रहा होता है तमाम चीज़ें उसमें, सिर्फ आपको फ्रेमिंग सेंस है, आपको शॉर्ट्स एंगल्स का पता है, तो आप अच्छी आइडियाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जिनके पास DSLR है, इसमें हमारे पास जो ऑटो मोड है हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे आपके पास डायल बटन में आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें ये आपके पास यहाँ पे ये ग्रीन कलर का आपको आइकन नज़र आ रहा होगा जो कि ऑटो मोड के ऑप्शन है, जो कि बिगनर्स के लिए है। इसी के साथ अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन और आपको मिलती हैं मैनुअल मोड की, एम का आपको यहाँ पे एक क्या है आपके पास अपर्चर प्रायोरिटी, जिसमें अपर्चर जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में है, बाकी जो है शटर स्पीड कैमरा खुद एडजस्ट कर रहा होता है। देन आपके पास है एस, जिसमें शटर प्रायोरिटी जिसको हम कहते हैं, जिसमें शटर जो है वो आप, और ISO जो है इसमें, ये तीनों चीज़ें ही जो आपके पास है कैमरा आपको दे रहा है खुद से एडजस्ट करके। अगर आप मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपके पास मैनुअल मोड के ऑप्शन है, जिसमें तीनों चीज़ें आपके कंट्रोल में, आप शटर खुद डिफाइन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो हमने कैमरा के और इस हवाले से डिस्कस की थी। अब अगर आप अपने पास देखेंगे जो भी मॉडल आपके पास इसमें आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास ये जहाँ पे मेरा डायल बटन के साथ ही फ्रंट स्क्रीन पे जहाँ पे LED स्क्रीन है वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये शटर इसी तरह से आपके पास जो है स्क्रीन पे आप देखें, आपके पास जो डायल बटन है फ्लैश गन की ऑप्शन है, अगर एक्सटर्नल फ्लैश गन आप अटैच करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसके ये साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास बैटरी के ऑप्शन है, बैटरी के साथ ही आपके पास यहाँ पे ट्राईपोड के ऑप्शन है, कब करना है, क्यों करना है, आगे जब हम कैमरा इक्विपमेंट पे आएंगे कि कौन कौन से नेसेसरी इक्विपमेंट जो कि आपके पास एज फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर होना होना ज़रूरी है, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ट्राईपोड का यूज़ या बाकी और जो डिवाइसेज हैं उनको देखेंगे कि वो किस लिए ज़रूरी हैं, देखते हैं कैमरा के क्या क्या फंक्शंस हैं, उसमें क्या क्या एरियाज़ आपके पास हैं जो कि दिए गए हैं। अब इन चीज़ों को हमने लास्ट टाइम जो है वो देखा था इसी में। अब आपके पास अगेन कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये एक्चुअली है क्या, क्योंकि सिर्फ टूल ऑपरेट करना या मशीन को अंडरस्टैंड करना कर लेना ही मकसद नहीं है। जब तक आपको नहीं आइडिया होगा, जब तक आपको नहीं पता होगा कि आपके पास आइडियाज़ नहीं होंगे, मैंने आपसे कहा था कि आइडियाज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि क्रिएटिविटी जो है उसकी बिगनिंग कहाँ से होती है, इमेजिनेशन से करते हैं, वो जो आइडियाज़ आपके माइंड में क्रिएट होते हैं उन आइडियाज़ को आप जो है वही अच्छा फोटोग्राफर है जो कि तमाम चीज़ों को, तमाम जो है एक डिफरेंट एंगल से, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देख रहा होता है। अगर आप एक ही रुख देख रहे हैं तो वो तमाम लोगों को सेम नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ भी स्क्रीन शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लैरिटी हो सके जो चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो जो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं इसको मैं जस्ट पास ऑन करूंगा और हम आगे चलेंगे ताकि जो रिमेनिंग हमारे कुछ कंसेप्ट रह गए थे उनको हम डिस्कस कर सकें। हमने कुछ चीज़ें मैं रिवाइज़ करता हूँ, आगे बढ़ूंगा, कुछ चीज़ें हमने देखी थी लास्ट के, जो आप अगर फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो
फोटोग्राफी क्या है? द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एंड प्रोसेसिंग फोटोग्राफ। सिंपल, आप अगर इसको याद कर लें तो ये इनफ है एज फोटोग्राफर आपके लिए। कैमरा क्या है? कैमरा कन्वर्ट लाइट, लाइट को कन्वर्ट करता है इंटू इमेज और विजुअल्स। अब ये कैमरे का DSLR का जो मॉडल है मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किया और आपने देखा, इसमें जो ये मॉडल आपको इस टाइम नज़र आ रहा है तो इसमें आप देखें कि जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये लेंस आपको नज़र आ रहा है, लेंस से लाइट एंटर हो रही है और ये ग्रीन कलर जो है। अब कैमरा किस का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से वो ऑपरेट कर रहा होता है, किस तरह से वो इमेज को कन्वर्ट करता है इंटू लाइट को कन्वर्ट करता है इंटू इमेजेस, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग आपको होना ज़रूरी है। अब ये लेंस आप देखें, यहाँ से लाइट एंटर हुई, ये आपके पास जो हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव मिरर या रिफ्लेक्टिव जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, यहाँ पे आपके पास फोकसिंग स्क्रीन होती है और यहाँ से ये जो पेंटागोन टाइप पेंटा प्रिज्म जिसे हम कहते हैं, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके ये व्यू फाइंडर येलो कलर का आपको जो यहाँ पे नज़र आ रहा है इसमें इमेज बनता हुआ आपको नज़र आता है। अब इसी तरह को जो है वो शटर नज़र आ रहा है, शटर के बैकग्राउंड पे रेड कलर का आपको जो है वो सेंसर जिसको हम कहते हैं ये आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे इमेज बन रहा होता है। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसके ऊपर कैमरा जो है वो बेसिकली बेस कर रहा होता है, जिसके ऊपर कैमरा काम कर रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें हाईलाइटेड हैं जिनको आप देख सकते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि इनका क्या लेंस क्या है, जो है इस कैमरे का सेंसर कहाँ पे होता है, कैमरे का शटर कहाँ पे है। तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं। लेंस है आपके पास, फिर आपके पास रिफ्लेक्सिव मिरर है, आपके पास हम डिस्कस किया फोकसिंग स्क्रीन है, पेंटा प्रिज्म है, आई पीस जिसको व्यू फाइंडर भी कहते हैं, फोकल आपके पास शटर है, सेंसर है। आगे देखते हैं फोकल लेंथ को, फिर हमने डिस्कस किया कि फोकल लेंथ क्या है। फोकल लेंथ इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ लेंस आर कर्व्ड मिरर एंड इट फोकस। अब आप ये देखें कि जो आपके पास लेंजेज मैंने डिस्कस किया, लाइक आपके पास इसमें देखें कि डिफरेंट लेंजेज होते हैं, ये अंडरस्टैंड कर लिया आपने तो नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके लिए जो बेसिक है जो चीज़ें हमने आगे डिस्कस करनी है, ये आज का लेक्चर जो है ये फाउंडेशन है जिसमें आप अंडरस्टैंड करेंगे अपने कैमरे को, अपने डिवाइस को। उसके बाद आगे हम शॉर्ट्स पर उन सारी चीज़ों पर चलेंगे कि आप क्या कर सकते हैं और आपके पास क्या क्या इसमें मार्जिन क्या है। अच्छा, इस पर आप देखें कि जिस तरह से मैंने 35 mm आपको नज़र आ रहा है, 55 mm है, 85 mm है, 105 mm है, 135 mm है। फोकल लेंथ के साथ आपको, अगर आपके पास 18 mm का लेंस है तो फिक्स्ड फोकल लेंथ के साथ आपको ये फ्रेम मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा वाइड क्लोज हट आप देख रहे हैं और क्लोज होती जा रही है। ठीक है, इवन कि आप 300 mm पे आए तो आपके पास ये देखें, आपके पास अब सब्जेक्ट तो आप इतनी दूर पड़ा कोई ऑब्जेक्ट भी क्लोज कर सकते हैं, उसको जूम कर सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास ये लेंस होना ज़रूरी है। कहते हैं 35 या 85 mm से तो आपके लिए जो है वो अपने कैमरे को अंडरस्टैंड करना समझना अब बहुत आसान होगा, आपको पता होगा कि ज़रूरी है। और अगर आपके पास जो है आपका अपने सब्जेक्ट से डिस्टेंस बहुत कम है और आपने जो है एक बड़े स्केल पे एक वाइड 15 mm चाहिए होगा, 24 mm चाहिए होगा, ठीक है, तो ये डिटरमाइन करता है लेंस की फोकल लेंथ के आपका सब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना है। आगे चलते हैं, अब इस इमेज में हमने फिर डिटेल में देखा कि आपके लिए जो है कौन सा लेंस, अगर आप आगे जब हम इसके जो है फॉर्म्स ऑफ फोटोग्राफी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि लैंडस्केप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड होंगे, तो जाहिर बात है तो अपने उस इंटरेस्ट के मुताबिक आपके पास वो डिवाइस वो कैमरा होना चाहिए। वो और लेंस आपने रखे हुए हैं सारे टेली लेंसेज, तो उनकी मदद से आपके पास जो है वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप के जो आइडियाज़ हैं उसके मुताबिक सूटेबल मशीन कैमरा डिवाइस लेंसेज आपके पास जो है रिक्वायर्ड जो इक्विपमेंट है उसका होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि जी लेंस आपने टैली रखा हुआ और इंटरेस्टेड आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी में, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास रेलिवेंट अपने इक्विपमेंट होना ज़रूरी है। अब इसमें आप देखें लाइक 10 mm से 18 mm वाइड एंगल आपको मिल रहा है, 35 से 50 की तरफ आप मूव कर रहे होंगे तो नॉर्मल आपको फ्रेम मिलेगा, 70 mm से 100 की तरफ जा रहे हैं तो मीडियम टेली लेंसेज स्टार्ट हो जाते हैं, 135 से ऑनवर्ड आप देखेंगे तो टेली लेंसेज हैं आपके पास। अब इनका यूज़ क्या है, देखें ये आपको ये पास 18 mm में ये आपको फ्रेम मिल रहा है, अब वही सेम है यहाँ पे 18 mm वाइड फ्रेम दे रहा है, 50 पे गए और क्लोज चले गए, 100 पे गए और क्लोज, 200 पे गए तो और क्लोज, और 300 पे आपने देखा कि आपके पास वो मीनार। आप अब कैमरा मैन की पोजिशन सेम ही है लेकिन अगर आपके पास लेंस
वेरिएशन होगी, तो फिर आप अपनी उसी पोजीशन से इतना क्लोज भी आप जा सकते हैं टेली लेंस अगर आपके पास होगा। लेकिन तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, आपके पास जो है वो वाइड एंगल लेंसेज होने चाहिए, मतलब 18 mm से 15 mm आपके पास हो तो आप बना सकते हैं वाइड फ्रेम। अगर आप स्ट्रीट डॉक्यूमेंट्री या स्ट्रीट फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो 50 mm जो कि नॉर्मल फ्रेम आपको दे रहा है आपके पास होना चाहिए, और अगर आप पोर्ट्रेचर में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास 100 mm होना चाहिए। इससे ऊपर अगर हम चले जाएंगे स्पोर्ट्स या फिर बर्ड या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो है वो टेली लेंसेज होने चाहिए। आगे चलते हैं जी, ये अगेन आपके पास सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कुछ चीज़ें, इसमें हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट टाइम, आपको अब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आप अगर एज फोटोग्राफर आपके पास क्या लेंसेज होना ज़रूरी है, क्या डिवाइस के साथ कौन कौन से लेंसेज जो ज़रूरी हैं। तो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं कि अगर आप जो है वो लैंडस्केप में इंटरेस्टेड हैं तो कौन से लेंसेज होंगे आपके पास, और अगर आप जो है वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में, तो फिर आपके पास आपने देखा होगा स्टेडियम में बैठे हुए आपके ऑडियंस में बैठा हुआ शख्स किस तरह से एक एक जो है वो मोमेंट क्लोजली कैप्चर कर रहा होता है, तो उनके पास बड़े बड़े टेली लेंसेज आपको नज़र आते हैं। तो आप जो है अगर दूर से बैठे हुए भी कोई अपना सब्जेक्ट जिसको आप कैप्चर करना चाह रहे हैं तो आप इजीली इसको क्लोज शॉट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास टेली लेंसेज का होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं, हमने फोकल लेंथ के हवाले से देखा कि कुछ लेंसेज आपके पास जो है फिक्स्ड फोकल लेंथ वाले होते हैं उनको प्राइम लेंस कहा जाता है, फिक्स्ड फोकल लेंथ वाले लेंसेज को प्राइम लेंस कहा जाता है, जिसमें फोटोग्राफर्स आर अनएबल टू जूम इन एंड जूम आउट। आप जो है प्राइम लेंस के साथ जूम इन जूम आउट नहीं जा सकते, आप बाउंड होते हैं एक ही स्टैटिक, आपके पास एक ही शॉट आपको मिल रहा होता है। फिक्स्ड फोकल लेंथ वाले जो लेंसेज होते हैं उनके साथ आपको वैल्यूज़ जो है या तो 100 mm होगा, 50 mm है तो 50 mm होगा, उसमें नहीं मिलेगी वेरिएशन, इस तरह से नहीं होगा कि 18-55 के दरम्यान एक ही फोकल लेंथ उस पर मैंशन होगी। आगे देखते हैं, लाइक ये लेंसेज आपको नज़र आ रहे हैं इस टाइम स्क्रीन पे, 50 mm है, 85 mm है, ये वो लेंसेज हैं जो कि फिक्स्ड फोकल लेंथ वाले प्राइम लेंसेज हैं। फिर हमने यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस की कि एज फोटोग्राफर आपके पास जो है वो कौन सा लेंस सूटेबल है, फिक्स्ड फोकल लेंथ होना चाहिए या फिर जूम लेंस। अगर मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की, अगर तो आप स्टार्ट हैं और आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो रिसोर्सेज भी नहीं है और आप जो है वो फिक्स्ड फोकल लेंथ या प्राइम लेंसेज नहीं ले सकते, तो आप जूम लेंस ले लें। लाइक अगर आपके पास 18-55 है तो 18 से 55 के दरमियान तो आपको इजीली वेरिएशन वो मिल जाएगी कि आप 18 mm तक वाइड भी बना लेंगे फ्रेम और 50 mm का फ्रेम भी आपको मिल जाएगा, तो इसलिए आपके लिए ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप 50 mm लेते हैं या 14 mm, तो 14 mm आपको सिर्फ वाइड फ्रेम ही देगा और आप उसमें कुछ नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है। अब आपने यहाँ पे डिसाइड करना है अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जूम लेंस की हमने बात की, जूम लेंस में आपको वेरिएशन इस तरह से वैल्यूज़ मिल रही होती हैं, लेंस के ऊपर मेंशन होती है 18 mm टू 55 mm, 35 टू 75 mm, ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ इस तरह से मेंशन होती हैं। जूम लेंसेज को सॉरी किट लेंस भी कहा जाता है, किट लेंस क्योंकि ये आपको ये वो लेंसेज हैं नॉर्मली जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं जो कि कंपनीज कैमरे के साथ भी बॉडी के साथ भी ऑफर कर रही होती हैं। इससे ऊपर अगर आप कोई जाएंगे सेमी प्रोफेशनल कैमराज के साथ, ये नॉर्मली कंपनी जो है वो ऑफर कर रही होती है, ऊपर आप जाएंगे तो फिर आपको लेंस सेपरेट परचेज़ करना पड़ेगा, बॉडी आपको कैमरे की सेपरेट परचेज़ करनी होगी। तो जूम लेंस में आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जूम इन जूम आउट जा सकते हैं। लाइक आप 18 mm टू 55 mm के दरमियान जो है वो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं आप जा सकते हैं। 35 mm की बात करेंगे तो 35 mm टू 75 mm तक की आपके पास ऑप्शन है, इनके बिटवीन आप प्ले कर सकते हैं। अब उन लेंजेस पे आपके पास वैल्यूज़ इस तरह से मेंशन होगी, लाइक ये देखें 18-135 mm, ठीक है आपके पास ये लेंस आ रहा है, और 18-55 mm आपके पास होगा, ठीक है। ये जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही होती है जिसमें आप इट्स मीन कि आपके पास ये क्या है, जूम लेंस है, इसको आप लेंस को मूव करके भी आप इसको जूम इन जूम आउट चेक कर सकते हैं। आपके पास ये लेंस जो फिक्स्ड फोकल लेंस वाला लेंस होगा जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया वो मूव नहीं होगा। आगे देखते हैं, फिर हमने DX और FX की बात की, अगर आप निकॉन कैमराज देखेंगे तो उस पर आपके पास DFX या FX मेंशन होगा, एक फुल फ्रेम है और एक आपके पास क्रॉप सेंसर कैमरा होता है। इन दोनों का डिफरेंस आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं कि आपके पास ये आपको जो DX फॉर्मेट है उस पर आपके पास ये फ्रेम विड्थ आपको मिल रही है, ये फ्रेम साइज़ आपको मिल रहा है, और FX में आपके पास फुल फ्रेम ये कैनवास आपके सामने। आगे देखते हैं,
ऑप्टिकल जूम और फिर डिजिटल जूम की हमने बात की। ऑप्टिकल जूम आपके पास एक्चुअल जूम होता है, डिजिटल जूम जब आप देख रहे होते हैं कैमरा पे, दोनों के रिजल्ट में भी देगा। ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस, कुछ लेंसेज ऑटो फोकस के होते हैं साथ आते हैं, कुछ मैनुअल फोकस के साथ। मैनुअल फोकस मैंने आपको बताया कि उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आपके पास जो ऑटो फोकस है वो तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, इवन आप कोई आपका क्या है सब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, अगर हम वीडियो प्रोडक्शन की बात करें, इसमें आप कोई सीन जो है वो मूविंग शॉट रिकॉर्ड कर रहे हैं और कैमरा भी मूव कर रहा है, सब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, तो अगर आपके पास ऑटो फोकस लेंस होगा तो आपको साथ साथ फोकस जो है वो शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कर रहा होगा अगर तो आपके पास ऑटो फोकस लेंस होगा। लेकिन अगर आपके पास मैनुअल फोकस होगा तो मैनुअल फोकस में आप क्या कर रहे होंगे, आप जो है हाथ के साथ फोकस शिफ्ट कर रहे होंगे, एडजस्ट कर रहे होंगे, जिसमें फिर आपकी एस जो है वो कैमरामैन या एस डी ओ पी आपको अपनी और जो है वो अपने सब्जेक्ट की स्पीड को मैच करना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज आपको ब्लर शॉट मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो ऑटो फोकस समटाइम बहुत यूज़फुल होता है आपके लिए, अगर आप कोई किसी वेडिंग इवेंट पे हैं और एक सीन आपने रिकॉर्ड किया, दूसरे पे आप शिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फोकस कर रहा है, अदरवाइज आपके पास वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है हर एक सीन को रुक रुक के जो है वो फोकस कर रहे हैं, फिर आप उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास काफ़ी स्पेयर टाइम है, खुला टाइम है, तो फिर आप जो है वो मैनुअल फोकस जो है मोड भी यूज़ कर सकते हैं, मैनुअल फोकस लेंजेस भी आते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, अब फिर इसके साथ जो है कैमरा मैन डिस्कस कर रहे हैं आज इस हवाले से, अगर आपके मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद आगे हमने जो चीज़ें जाना है, हमने फिर प्रैक्टिकल चीज़ों को अप्लाई करना है, फॉर्म्स ऑफ फोटोग्राफी डिस्कस करना है, आप लाइटिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, तो कैमरा जो है इस हवाले से आज कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो उसको लास्ट में आप अपने क्वेश्चन बिल्कुल आप जो है वो पूछ सकते हैं और उसके लास्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि नेक्स्ट आगे हम मूव कर सकें। फिर हमने कैमरा मोड्स की बात की और मैंने आपसे कहा कि इसमें कुछ मोड्स आपके पास नज़र आ रहे हैं, आपको इस इमेज पे भी आ रहे होंगे। ग्रीन कलर का एक आइकन आपको नज़र आता है, ए या ऑटो लिखा होता है उस पर। ऑटो जो है ऑटो मोड में आपका जो एक्सपोजर है वो कैमरा डिटरमिन कर रहा है, तमाम चीज़ें कैमरा डिसाइड कर रहा होता है। लेकिन उसी के साथ आपके पास जो है वो कुछ और मोड्स भी आपको मिलते हैं, ठीक है। प्रोग्राम मोड होता है उसमें आपके पास, या फिर आपके पास जो है वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी, ए लिखा होगा इस पर, ठीक है, आपके पास जिसमें अपर्चर प्रायोरिटी आपके पास होता है। इसी तरह से आपके पास जो है वो शटर प्रायोरिटी कुछ मोड्स हैं, जिसमें शटर आप स्पीड आपकी कंट्रोल में है, अपर्चर कैमरा डिसाइड करेगा, और अपर्चर मोड में आपके पास जो है वो अपर्चर आप कंट्रोल कर सकते हैं, शटर उसमें कैमरा डिसाइड कर रहा होता है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करते हुए आप जो है वो अपना कैमरा अपनी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। अब इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट करना है, क्या एक्सपोजर बेस्ट है, उसको आगे हम देखते हैं। स्टिल कैमरा हमने देख लिया था कि स्टिल कैमरा आपके पास पहले अगर हम दौर की बात करें तो कुछ कैमराज आपके पास स्टिल कैमराज आते थे, तो उसके बाद अब आपके पास जो है वो कैमराज आना स्टार्ट हो चुके हैं जो कि वीडियोज़ की भी ऑप्शन दे रहे हैं। इवन कि अब जो तमाम DSLRs हैं उसमें आपके पास ऑप्शन आ रही होती है कि आप जो है वीडियो भी कैप्चर कर सकते हैं और स्टिल भी कैप्चर कर सकते हैं। इवन अब तो आपके पास जो सेमी प्रोफेशनल भी अगर कोई DSLR है तो उसमें भी ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाती हैं। डिजिटल कैमरा और DSLR और SLR का हमने डिफरेंस डिस्कस कर लिया था। वीडियो कैमराज आप में से वो लोग जो कि वीडियो प्रोडक्शन में या वीडियोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, उसमें हमारे पास कुछ कैमराज जो वीडियो कैमराज या कैमकॉर्डर्स हम इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, जो हम टीवी चैनल्स में यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली, मोस्टली जो टीवी चैनल्स हैं, मेरा अपना 4-5 साल का एक्सपीरियंस, हम सोनी के कैमराज जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास कैम, इसका हम बहुत डिटेल में इसको नहीं देखेंगे, हम DSLR के मॉडल को ही डिस्कस करेंगे। ये नॉर्मली आपके पास स्टूडियो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं कैमराज। DSLR कैमरा हमने डिस्कस किया, इसमें आपके पास आपकी इजीनेस के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इमेज मैंने इस पे यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि वो तमाम आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं जो कि कैमरा मॉडल को अंडरस्टैंड करने में आपके लिए आसान हो सकती है। आप कोई भी मॉडल देखेंगे तो उसमें जो है कुछ ऑप्शंस कम होंगी या कुछ ऐड होंगी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो सेम मिलेगा। लाइक 0.1 में आपके पास हमने देखा कि डायल मोड है, ठीक है, जिसमें आप अपना जो प्रोग्राम मोड है, आप मैनुअल मोड पर जाना चाहते हैं, आप ऑटो मोड को यूज़ करना चाहते हैं, आप वो शिफ्ट कर सकते हैं। देन सेकंड नंबर पे उसके साथ ही आपके पास रिलीज मोड सिलेक्टर है, ठीक है, जिस पे आप जो है वो सिंगल या फ्रेम टाइमर की ऑप्शन भी इसमें आ रही होती है आपके पास, ठीक है, अगर आप जो है वो
ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आपके पास इन्फॉर्मेशन का बटन है, फोर्थ नंबर पे आपके पास एक्सपोजर कंपनसेशन का ऑप्शन आ रही होती है, और फिफ्थ नंबर पे आपके पास शटर का बटन है जो कि जिसकी वजह से आप जो है वो शटर रिलीज बटन आपको मिल रहा है। सिक्स नंबर पे आपके पास पावर स्विच है, और उसके बाद आपके पास ऑटो फोकस असिस्ट इल्यूमिनेटर है, रेड आई डिटेक्शन लैंप आपको मिलता है यहाँ पे स्क्रीन पे, जो कि आप देख सकते हैं। रात में अक्सर हम देखते हैं कि रेड आई जो लाइट है उसमें अगर आप देखेंगे तो इमेज जो है वो आपको आइज में वो रेड कलर का आप देखते हैं, जिसको रेड आइज़ आपको नज़र आती हैं। ठीक है, नॉर्मली वो कैमरे की सेंसिटिविटी की वजह से भी आ रही होती है कि अगर आपका जो है सेंसिटिविटी आपने कंट्रोल की हुई है तो ये एरर आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेड आई डिटेक्शन लैंप आपको इस बॉडी पे मिल रहा है। इसके साथ आप आगे देखेंगे तो एक्सेसरी जो आपको मिल रहा है, फ्लैश मोड बटन है आपके पास, ये टॉप पे आपके पास फ्लैश मोड बटन की ऑप्शन है। एक्सटर्नल फ्लैश गन अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो वो अरेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कैमरे की दूसरी जानब देखेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रही होती हैं। LED स्क्रीन की ऑप्शन आपको मिल रही है, प्लेबैक बटन है जिसमें आप अपना कंटेंट जो इमेजेस आपने विजुअल्स कैप्चर किए हैं उनको आप चेक करना चाहें आप कर सकते हैं। मेन्यू बटन है, मेन्यू को आगे भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। आप जैसे ही मेन्यू में जाते हैं तो आपके पास कहाँ पे क्या ऑप्शंस आ रही होती हैं, किस तरह से आप कैमरा या इमेजेस का फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको रॉ में कैप्चर करना है या आपको किसी और फॉर्मेट में कैप्चर करना है वो आप देख सकते हैं। इमेजेस आपने सेलेक्ट किए हैं उनको डिलीट कैसे करना है वो मेन्यू में ऑप्शंस आपको मिलती हैं। उसके साथ आगे आपके पास थंबनेल बटन की ऑप्शन आ रही होती है, प्लेबैक जूम आउट बटन की है कि आप उनको जूम इन जूम आउट करके भी डिटेल में चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं। इस तरह से आगे आप देखेंगे आपके पास व्यू फाइंडर आईपीएस की ऑप्शन आ रही है, और डायोप्टर एडजस्टमेंट कंट्रोल आपको मिल रहा है, ऑटो एक्सपोजर या फिर आपके पास ऑटो फोकस का ऑप्शन आ रही है, कमांड डायल की ऑप्शन है, लाइव व्यू स्विच आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मूवी रिकॉर्ड का बटन भी है इसी पे, ये जो रेड कलर का आपको आइकन नज़र आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसी DSLR की मदद से आप अपनी मूवी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मल्टी सेलेक्टर है, ओके का बटन आपके पास है, डिलीट की ऑप्शन आ रही है स्पीकर्स की या मोनीटर की, ये मोनीटर इसमें आपके लिए जितना आप अच्छे से अपने कैमरे को अंडरस्टैंड करेंगे, जितना अच्छे से आप अपनी इस डिवाइस को अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें और आइडियाज़ प्रोड्यूस करना मैंने आपसे कहा कि ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अदरवाइज़ आइडियाज़ आप कितने भी क्रिएटिव क्यों ना हो, आप कितने भी जो है आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने पास जो डिवाइस है चाहे वो सेलफोन ही क्यों नहीं है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप उससे वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कैमरे से दोस्ती होना बेहद ज़रूरी है, जो आपके पास डिवाइस है आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो और अच्छे से उसको आपने एक्सप्लोर किया हो तो आप अपने पास जिसके पास जो भी प्रोफेशनल DSLR कैमरा है आप उसको जो है वो अच्छे से जो एक्सप्लोर करें, उसमें देखें कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। यहाँ पे डायल मोड्स में जो डिफरेंट मोड्स आपको दिए गए हैं उन मोड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। इस साइड पे आप देख सकते हैं कि माइक के ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पे लेंस जो है ये लेंस रिलीज बटन की ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, ये रॉ मोड मैंने आपको बताया, इसमें कैमरा जो है वो सिलेक्ट करता है आपका अपर्चर शटर और इवन के आपकी ISO भी वही सजेस्ट कर रहा होता है। और अपर्चर प्रायोरिटी जो मोड है इसमें क्या करते हैं कि अपर्चर आपके कंट्रोल में होता है कि अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आपने कितनी आपने अपर्चर की क्या वैल्यू एडजस्ट करनी है वो आपके कंट्रोल में होता है। शटर जो है वो कैमरा खुद डिसाइड करता है, लेकिन शटर प्रायोरिटी की जब हम बात करते हैं ऑटो एक्सपोजर में तो ये भी फुल मैनुअल मोड नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ आप शटर कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कैमरा मैनेज कर रहा है, अपर्चर कैमरा देख रहा है। मैनुअल एक्सपोजर जो है ये टोटली आपके कंट्रोल में होता है कि मैनुअली आप चीज़ें बेस्ट कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकें, शटर क्या होना है, अपर्चर क्या होना है, और जो है वो ISO की या बेस्ट जो आपने कॉम्बिनेशन बनाना है एक्सपोजर ट्रायंगल जो है हमने डिस्कस किया वो आप मैनुअल एक्सपोजर मैनुअल मोड पे डिसाइड कर सकते हैं। ये कुछ आपके पास प्रीसेट्स इसमें दिए गए होते हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, ये सिंपल से हैं, बिगनर्स के लिए दिए गए हैं कि अगर आपके पास जो है बिल्कुल आप बिगनिंग स्टेज पे हैं और आपने जो है पोर्ट्रेट्स बनाने हैं तो सिंपल पोर्ट्रेट का प्रीसेट्स दिए गए हैं, इन प्रीसेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। SLR DSLR को हम डिस्कस कर चुके हैं, कैमकॉर्डर मैंने आपको बताया जो कि हम व्यूज में यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए या फिर आपके TV प्रोडक्शंस में यूज़ किए जाते हैं। एक्सपोजर ट्रायंगल, इसको अंडरस्टैंड करना बेहद ज़रूरी है। आपका जो एक्सपोजर ट्रायंगल है वो तीन चीज़ों पे बेस करता है, शटर अपर्चर एंड ISO। शटर कंट्रोल द स्पीड ऑफ लाइट, अपर्चर कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, एंड ISO इज़ क्या ISO है कैमरे की सेंसिटिविटी है, जिस पे आप जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसकी एब्रीविएशन है, वाइट बैलेंस। जब हम वीडियो प्रोडक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके पास जो कैमरा है ना सिर्फ वो आपको स्टिल की बल्कि साथ साथ वीडियो के ऑप्शन भी दे रहा है,
इसलिए हमें से वो स्टूडेंट्स जो अपने ही कैमरे से वीडियो या वीलॉग्स बनाना चाहेंगे या फिर सेलफोन से भी लॉगिंग की तरफ आना चाहेंगे, उनके लिए भी यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर वो अपने पास उनके पास प्रोफेशनल DSLR है तो उसमें आपके पास वाइट बैलेंस की ऑप्शन होती है जिसको हम कैल्विन में मैयर कर रहे होते हैं। अब ये क्या है, ये कैमरे, ये टेम्परेचर है कैमरे का। फॉर एग्जाम्पल एक रूम इंडोर आप कोई सीन रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप आउटडोर जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर डिफरेंट मिलेगा। तो वाइट बैलेंस अक्सर आपने शूटिंग के सेट पर भी देखा होगा कि कैमरा मैन या DOP जो है वो सीन रिकॉर्ड करने से पहले वाइट बैलेंस कर रहा होता है, तो वाइट बैलेंस जो है वो टेम्परेचर बैलेंस कर रहा होता है। अब इसी तरह से अगर आप इस ट्राइंगल में देखेंगे तो यहाँ पे बॉटम में आपको एक्सपोजर जो है अपर्चर नज़र आ रहा है कि जिस तरह से अपर्चर 2.8 है तो आपको जो हॉल है अपर्चर का वो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम आपको उसमें वो ओपन नज़र आ रहा है, मैक्सिमम लाइट जो है वो एंटर हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप वैल्यूज इंक्रीज़ करेंगे तो वो हॉल जो है वो कम हो गया साइज़ में। इट्स मीन के वो जो है जिस तरह से आपके अपर्चर की वैल्यूज़ कम होंगी उतना ही आपके जो लेंस है उसमें से लाइट आप अलाउ कर रहे हैं कि आपका जो है वो इतनी मकदार में इतनी इस अमाउंट में लाइट एंटर हो सके। आगे चलते हैं, ये चीज़ें हमने कुछ डिस्कस कर ली हैं। अब आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्पेसिफिकली जो है वो वीडियो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे पहले हमारे पास जो कैमराज थे वो आपको, अगर वीडियो की हम बात करें तो SD फ्रेम आपके पास जो है उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो आपके पास ये मिल रही है। फुल HD की हम बात करते हैं तो वो 1080 1920x1080 आपको मिल रहा है। अल्ट्रा HD जब बोल TV आया तो बोल TV ने ये क्लेम किया कि जी वो अल्ट्रा HD है। अब आप देखें तो हर एक चैनल अब उसके साथ HD लिखा हुआ नज़र आता है, तो मैक्सिमम आपके चैनल जो है वो HD हो चुके हैं। बोल TV आया, उसने क्लेम किया कि जी हम अल्ट्रा HD हैं, तो अल्ट्रा HD की आपके पास जो है वो ये रेजोल्यूशन आपको मिल रही है। 4K तक अब आपके पास जो है वो ऑप्शन आ चुकी है, लेकिन 8K आपके पास ये रेजोल्यूशन आपको नज़र आ रही है। तो हमारे पास जो है अब तो मोस्टली जो है वो सेलफोन बनाने वाली कंपनीज ने सेलफोन में भी, तो ये आपके पास कुछ रेजोल्यूशन हैं जो कि अगर आप याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। ये वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में है, वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास अभी तक आप ये देखें ये अल्ट्रा HD में ये इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन आपके सामने है। अब आप देखें जो स्क्रीन पे जो सिस्टम हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो आपके पास दो यहाँ पे हैं, PAL और NTSC। हमारे पास जो है वो PAL फेस अल्टरनेटिव लाइन जो कि हमारे एशिया में फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। जिसको हम सिस्टम को जिस सिस्टम पे हमारी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है और सारी चीज़ें बेस कर रही हैं वो है PAL फेस अल्टरनेटिव लाइन, इसकी एब्रिविएशन है। इसको आप याद रखना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन NTSC नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी इसकी एब्रिविएशन है। कुछ वीडियो के हवाले से फॉर्मेट्स आप देख सकते हैं कि वीडियोस में जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो उसमें आपके पास कुछ ये फॉर्मेट्स हैं, AVI है, FLV है, WMV है, MOV है, MP4 है, जो कि वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब हम इमेजेस की बात करते हैं, जब आपने फ़ोटोज़ कैप्चर करने हैं तो उसमें कुछ फॉर्मेट्स जो कि आगे एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे। कैमरे में आपके पास दो ऑप्शन आ रही होती हैं, या तो आप रॉ में जो कि कैप्चर कर सकते हैं या फिर आपके पास JPEG फॉर्मेट में आप कैप्चर कर सकते हैं। कैमरे में आपके पास PDF की ऑप्शन नहीं है, TIFF की ऑप्शन नहीं है, GIF की ऑप्शन नहीं है, PNG की ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये वो फॉर्मेट्स हैं GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, या फिर आपके पास JPEG है, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप PDF है आपके पास, ये वो फॉर्मेट्स हैं। जब हम इसको फोटोशॉप में जाएंगे, जब हम Lightroom को अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें जाके हम देखेंगे कि आपके पास और भी इमेज के हवाले से कितने ऑप्शंस हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मेट्स हैं इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैमरे में आपके पास रॉ की ऑप्शन आ रही होती है या फिर JPEG की ऑप्शन आ रही होती है, इमेज आप JPEG में स्टोर करना है या रॉ में। रॉ में आप करेंगे तो आप ज़्यादा डिटेल्ड जो है एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा डिटेल्ड मार्जिन मिल जाता है कि आप अच्छे से इमेज को एडिट कर सकते हैं। तो ये कुछ इमेज के हवाले से फाइल मोड फॉर्मेट्स हमने डिस्कस किए हैं। होप सो कि आज के इस सेशन में जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो आपको समझ आ गई होगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें, किस तरह से आपने अपने कैमरे को ऑपरेट करना है, किस तरह से इसको यूज़ करना है। अब हम चल उनको देख लेते हैं। जी अब आपके कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं देख लेता हूँ। आप अपने क्वेश्चंस अगर आपके पास जो भी स्टूडेंट को जो है वो जो YouTube पे भी आप अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं।
तो आज हमने डिस्कस किया और कैमरे को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि करेंगे कैमरा शॉट्स मूवमेंट्स और वीडियो के कंटेक्स्ट में हम जो है वो कैमरा मूवमेंट्स भी डिस्कस करेंगे कि अगर इनके साथ अपने कैमरा से मूविंग शॉट्स बनाना चाहते हैं तो वो क्या कैमरा मूवमेंट्स हैं जो कि आज के एंगल्स आप बना सकते हैं, शॉट्स क्या हैं, शॉट्स की वेरिएशन क्या है, क्यों जब आप कोई टीवी स्क्रीन पे वीडियो देखते हैं तो उसमें शॉर्ट्स की वेरिएशन क्यों अप्लाई की जाती है, उसका क्या इम्पैक्ट है, क्यों हम पूरी थी जो है 3 आवर्स की फिल्म, पूरी 3 घंटे की एक फिल्म जो है वो एक शॉट में क्यों नहीं देख लेते, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है, पुराने ज़माने में बनती रही है मूवीज़, क्या वजह है कि आपके पास इतनी वेरिएशन लेंसेज की है इतनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इनको अपने पास अप्लाई कर लें, आपने इनको प्रैक्टिस किया होगा तो फिर आने वाले लेक्चर्स आपके लिए और ज़्यादा ईजी होंगे। जी आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल वेबसाइट पे पूछ सकते हैं ताकि उनको हम आंसर करें, और आगे आपकी किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन या किसी किस्म की कोई भी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और आपके पास बाद में थ्रो कर सकते हैं, मैं बाद में भी इनको देख के रिप्लाई कर दूंगा ताकि आपके लिए जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ईजी हो सके। सैन जी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर एंगल और मूवमेंट्स पे होगा, उसके लिए आप ज़रूरी है कि आज जो हमने उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट चीज़ें आपके लिए समझने में आसानी हो। अपना ख्याल रखिए।